अरे मोदी जी, कहाँ घने जंगल में ले आए यहाँ पर? तुम्हें गांव वालों की मदद करने की बहुत पड़ी रहती है। अरे जंगल के पास वाले गांव वालों ने तुमसे कह दिया कि जंगल से कोई खतरनाक चीज गांव में आती है और वो बहुत परेशान करती है। अब तुम उस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर जंगल में आयो। मुझे भी लाए हो, राहुल को भी लाए हो और इंस्पेक्टर अखिलेश को भी लाए हो। अरे योगी जी, कैसी बात करती हो? गांव वालों की मदद करना अपना फर्ज है। गांव वाले बताते हैं कि कोई खतरनाक सी चीज लंबे लंबे नाखून है उसके और सफेद सफेद आंखें, वो चीज गांव में आती है और डराती है। तो मैंने सोचा मैं भी तो देखूं आखिर ऐसी कौन सी चीज है। अपने डंडे से पटक पटक के मारूंगा उस चीज को। अरे मोदी जी, कितना घना जंगल है। अरे मोदी जी, वो देखो, तुम अपने अखिलेश के बीच में देखो कौन सी खतरनाक चीज दिख रही है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, उसकी सफेद सफेद आंखें हैं, देखो कहीं यही तो वो चीज नहीं है। मैं तो भागता हूँ भाई, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। अरे मोदी जी, कौन सी आफत में फंसा दिया तुमने यहाँ जंगल में मुझे लाके? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा। अरे इंस्पेक्टर अखिलेश जी, कैसी बातें करती हूँ? आपका फर्ज है हम जनता की सेवा करना और यहाँ से आप भागने की बात कर रहे हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन मैं नहीं भाग रहा हूँ। इस चीज को आने तो दो, पास में डंडे से मारूंगा। अरे मोदी जी, मेरा फर्ज मुझे याद मत दिलवाओ। मेरा फर्ज इंसान से इंसान की रक्षा करना है, ना कि भूत प्रेतों से तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं। भूत प्रेतों से तो मुझे भी बहुत डर लगता है भैया। मैं समझाता यहाँ पर कोई भूत प्रेत मिलेगा ही नहीं। ये देखो कौन सी खतरनाक चीज मिल गई, ये तो करीब में आ रही है। भागो भाई भागो। अरे भाग के जाओगे कहाँ? मैं कहीं जाने दूंगा? तभी तो भाग के जाओगे कहीं। अरे तुम बोलते भी हो क्या बात है? कौन हो तुम और हम इंसानों को क्यों परेशान करती हो, पास वाले गाँव के लोगों को? मैं एक भेड़िए की आत्मा हूँ। आज से 100 साल पहले एक इंसान ने मेरा यहाँ पर इसी जंगल में शिकार किया था। तब से मेरी आत्मा यहाँ पर इसी जंगल में ऐसी भटक रही है। लेकिन भाई, एक इंसान की सजा सब इंसानों को क्यों देती हो? एक इंसान ने गलती की, सबको सजा देने का क्या मतलब है तुम्हारा? माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था वो तो अब तक जाने कब का मर चुका होगा, क्योंकि तुम ही बता रहे हो इस बात को 100 साल हो गए। चलो ठीक है, आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा। आपकी बात मेरे दिमाग में आ गई। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।